हाय गाइस, इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपके पास एक 4x4 या एन क्रॉस एन का बोर्ड है, चेस बोर्ड है। उसके अंदर एन नंबर ऑफ क्वींस को प्लेस करना है, ठीक है? और वो जो क्वींस है ना, वो डिस्टिंक्ट हैं। जैसे अगर यहाँ पर 4 क्वींस हैं तो वो डिस्टिंक्ट हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो जितने भी तरीके हैं प्रिंट करने के, वो आपको अरेंज करने के, इनको प्लेस करने के, वो आपको प्रिंट करने हैं। तो बेसिकली 16P4 तरीके हैं। 16 डब्बे हैं, 16 डब्बों में 4 क्वींस प्लेस करने के 16P4 तरीके होते हैं। छोटा क्वेश्चन करके बताता हूँ। 3 बॉक्स होते और 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स होते, 1, 2, तो हमारे पास 3P2 तरीके होते हैं, विच इज 6। कौन से तरीके होते हैं वो देखिएगा जरा। तो 1 2 1 2 1 2 और फिर इनका उल्टा, 2 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 1। तो ये 6 तरीके होते हैं आपके पास। तो ऐसे ही हमें हमारे क्वींस को पुट करने के तरीके प्रिंट करने हैं, उसके तरीके जो भी होंगे। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कोड क्या हुआ करता था। इसके एक अप्रोच पिछले क्वेश्चन की थी, एक अप्रोच इस क्वेश्चन में करेंगे। आपके पास बॉक्सेस हैं 3 और आइटम्स हैं 2, B1 B2 B3, आइटम 1 आइटम 2। तो हम बॉक्स को लेवल पे रख रहे हैं। इस बार ये वाला बॉक्स सॉल्व हो रहा है, तो इस बॉक्स के पास पता है क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं आइटम को बिठाऊं ही नहीं, बिठाऊं तो आइटम 1 को बिठाऊं या आइटम 2 को बिठाऊं। नहीं बिठाने की ऑप्शन क्यों है इसके पास? क्योंकि बॉक्सेस ज्यादा और आइटम कम है, तभी तो इस तरह के केस आए थे डैश 1 2 जैसे। नहीं बिठाने की ऑप्शन भी है इनके पास। नहीं बिठाया तो डैश डैश डैश, बिठाया आइटम 1 को तो 1 डैश डैश 2 को बिठाया तो 2 डैश डैश। अब ये बॉक्स सॉल्व होगा यहां पर, ठीक है, बॉक्स 2। इसके पास फिर से ऑप्शन है, नहीं बिठाऊं या 1 को बिठाऊं या 2 को बिठाऊं। इसके पास अब 1 को बिठाने की ऑप्शन नहीं है, नहीं बिठाऊं या 2 को बिठाऊं। इसके पास 1 को बिठाने की ऑप्शन है, नहीं बिठाऊं या 1 को बिठाऊं। ये रह गया एम्प्टी, ये हो गया डैश 1 डैश, ये हो गया डैश 2 डैश, ये हो गया यहां पर 1 डैश डैश 1 2 डैश 2 डैश डैश 2 1 डैश, ठीक है। पूरा फोकस बनाए रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब है बॉक्स 3 की बारी, ये सॉल्व होगा हर जगह से। बॉक्स 3 को यहां पर हम सॉल्व करने चलेंगे, लाइए उसे सॉल्व करें। यहां पर फिर से 3 ऑप्शंस हैं, ना बिठाऊं या मैं 1 को बिठाऊं या मैं 2 को बिठाऊं। यहां पर 2 ही ऑप्शन है, ना बिठाऊं या 2 को बिठाऊं, ना बिठाऊं या 1 को बिठाऊं, ना बिठाऊं या 2 को बिठाऊं, ना बिठाऊं। 2 को बिठाने की ऑप्शन नहीं है, 1 को बिठाने की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। ना बिठाऊं या 1 को बिठाऊं, ना बिठाऊं। तो ये रह गया 2 1 डैश, ये हो गया 2 डैश 1, ये हो गया 2 डैश डैश, ये हो गया 1 2 डैश, ये हुआ 1 डैश 2, ये रह गया 1 डैश 2 1 डैश 2 डैश डैश 1 2 डैश 1 डैश 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 2 डैश डैश 1 डैश डैश डैश। तो इसमें ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर वो है जहां 2 हूँ, एक ये हुआ आंसर, एक ये हुआ डैश 1 2 और डैश 2 1। तो हो गए 1 डैश 2 हुआ तो ये 2 डैश 1 मिल गया, और 1 2 डैश मिला तो ये 2 1 डैश मिल गया। तो ये 6 लोग आपके आंसर बन गए। यही काम आपको 16 बॉक्सेस में करना है। अब 16 बॉक्सेस के अंदर पहले बॉक्स 1 की बारी आएगी, वो या तो किसी क्वीन को ना बिठाए, या क्वीन 1 को बिठाए, या क्वीन 2 को, या 3 को, या 4 को। अब फिर ऐसे बॉक्स 2 की बारी आएगी, ऐसे बॉक्स 3 की बारी आएगी, ऐसे ऐसे आगे आगे बारी आती जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान समझिएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले इस बॉक्स की बारी आई, फिर अगले लेवल पर ये वाला बॉक्स बात करेगा कि मैं बिठाऊं तो बिठाऊं, किस क्वीन को बिठाऊं, या तो ना बिठाऊं या किस क्वीन को बिठाऊं। ऐसे से बारी आएगी, इस बॉक्स के बाद इस बॉक्स की बारी आएगी। तो इस तरह से कोड मूव करेगा। तो इसे कोड करते हैं, लाइए देखते हैं, ठीक है। तो हमें आपने रो कॉलम पास किया है, बस इसके अंदर ये सीन होता है, ध्यान से देखिएगा, कि जब आप एक्सट्रीम कॉलम पे नहीं है तो रो सेम रहती है, कॉलम बढ़ता है। रो सेम कॉलम बढ़ना, रो सेम कॉलम बढ़ना। जब एक्सट्रीम कॉलम पे होते हो ना तो रो बढ़ जाती है और कॉलम 0 हो जाता है। इफेक्टिवली ये ट्रिक होती है। तो ये देखिएगा, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बाकी सब बाद में देखेंगे। पहले हम ये रो कॉलम फिगर आउट कर लें। न्यू रो इक्वल टू 0, न्यू कॉलम इक्वल टू 0। अगर आपका कॉलम एक्सट्रीम पर है, कॉलम आपका टोटल क्वीन 4 है ना, तो कॉलम आपका 3 पर है, तो नेक्स्ट रो होगी रो प्लस 1 और नेक्स्ट कॉलम होगा 0। अगर एक्सट्रीम पर नहीं है तो नेक्स्ट रो रहेगी इसी रो के बराबर और नेक्स्ट कॉलम होगा कॉलम प्लस 1, ठीक है। ये कहानी है, फेयर गेम। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब हम किस क्वीन को बिठा सकते हैं। तो आपने एक, मैंने क्या बोला था, हर बॉक्स के पास क्या ऑप्शन है, आपने ये रो कॉलम नाम का बॉक्स पास किया, हर के पास क्या ऑप्शन है, किस क्वीन को बिठाऊं या ना बिठाऊं, किसी को भी ना बिठाऊं। तो या तो किसी को भी ना बिठाओ या बाकी क्वींस को मौका दो, उसमें से उसी क्वीन को बिठा पाते हैं जिसको पहले नहीं बिठाया था। जैसे 1 को यूज कर लिया तो सिर्फ 2 को बिठा सकते हो। तो सारी क्वींस में लूप घुमाओ
ये लूप घुमाएंगे हम सारी। अरे चल ना भाई ये हम सारी क्वींस को मौका दे रहे हैं। पर वो क्वीन यूज नहीं होनी चाहिए, पहले से वो क्वींस यूज नहीं होनी चाहिए। अगर वो फॉल्स है कि मतलब वो यूज नहीं है तो उसको यूज कर लो। ये स्क्रीन अब क्वीन फंस गई, वापस आते हुए फॉल्स करना याद रखें ट्रू करके। अच्छा अब यहाँ पर आप कॉल लगाएंगे तो ये देखिएगा मैं कॉल लिखता हूँ क्वीन परमुटेशन। हमने क्वीन प्लेस करी है तो क्वीन प्लेस सो फार प्लस वन बढ़ेगा, टोटल क्वीन इतनी ही रहेगी। रो की जगह न्यू रो, कॉलम की जगह न्यू कॉलम। आंसर सो फार में क्या ऐड करें वो सोचते हैं, और क्वींस का आ रहे ऐसे कैसे। ठीक है आंसर सो फार के अंदर। अब क्वीन बिठाई है आपने तो क्वीन का नंबर होगा, जो क्वीन बिठाई है आई जीरो है तो आपने क्वीन वन बिठाई है। ठीक है तो पुराना आंसर सो फार प्लस क्वीन प्लस आई प्लस वन। ठीक है अच्छा अब इसके बाद आपको या तो टैब लगाना होता है या स्लैश एन लगाना होता है, वो आपको सोचना होगा। सेपरेटर, सेपरेटर इक्वल टू इसके बाद क्या लगाएं, कि आप स्लैश टी लगाओगे या क्या लगाओगे। अगर ये रो चेंज हो रही है तो सेपरेटर इज स्लैश एन विच इज एंटर, अगर रो चेंज नहीं हो रही तो सेपरेटर इज टैब स्लैश टी। ठीक है तो आंसर सो फार में इक्वेशन के बाद ये ऐड करके सेपरेटर ऐड करना ना भूलें। ये तो क्वीन बिठाने वाली कॉल हो गई, अब क्वीन नहीं बिठाना वो कॉल भी तो लगाओगे, तो इसमें क्वीन नहीं बढ़ेगी। यहां पर आंसर सो फार के अंदर डैश ऐड होगा, आई प्लस वन ऐड नहीं होगा, डैश ऐड होकर सेपरेटर ऐड हो जाएगा और क्वींस। अब बेस केस, क्या सारी क्वींस बैठ गई हैं। अगर क्वींस प्लेस सो फार इक्वल टू टोटल क्वीन हो जाए तो प्रिंट कर दिया जाए आंसर सो फार को। लाइए इसे एक रन देके देखते हैं। तो क्वीन प्लेस सो फार इक्वल टोटल क्वीन। हाँ जी एक गलती फिगर आउट हुई, बेस केस तो हमें रो कॉलम की बेस पर बनाना चाहिए ना, क्योंकि बॉक्स आगे बढ़ रहे थे। तो जो चीज़ आगे बढ़ रही है, जो चीज़ लेवल पर होती है, जो चीज़ लेवल पर होती है, ये देखिए ना लेवल पर तो बॉक्सेस थे तो उसके बेसिस पे बेस केस बनेगा। अगर आपकी रो रो चौथी रो आ जाए, रो इक्वल टू टोटल क्वींस हो जाए, तब आपको लौटना होगा। प्रिंट करना है नहीं करना वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्वीन प्लेस सो फार इक्वल है कि नहीं। क्वीन प्लेस सो फार जितनी हम चाहते हैं उतनी क्वीन प्लेस हुई है कि नहीं हुई है वो डिसाइड कराएगा कि प्रिंट होगा या नहीं। ठीक है अदरवाइज बेस केस तो इस पर डिटर्मिन होगा। तो उसे रन दे के देखते हैं दोबारा से, इस बार बेहतर है या इस बार भी गलत है। तो है थोड़ा बेहतर लेकिन ये उसे फॉर्मेट की कोई कमी है। हाँ जी थोड़ा एनालाइज़ किया मैंने आउटपुट को तो मुझे समझ में आया कि हर बार प्रिंट लाइन नहीं करेंगे, जब आंसर प्रिंट हो रहा है तभी प्रिंट लाइन करें। और फाइनल एक बार रन देके देखते हैं। इन एनी केस जो मेजर लॉजिक था वो समझ में आ गया, अब एक्सेप्टेड है। तो जो मेजर लॉजिक था वो समझ में आ चुका था, ये तो सिर्फ फॉर्मेटिंग की बात थी, तो इसको ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। ठीक है तो सबमिट हो रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। है बहुत सिंपल, ये सब हम कर चुके हैं, 1D में कर चुके हैं, 2D में कर रहे हैं, तो 2D में कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है। तो आई थिंक कि दिमाग में, जहन में बैठने लगा होगा। मिलते हैं अगले सालों में, थैंक यू वेरी मच।